माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे जी, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो गए, बहुत बढ़िया हो गए, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी, ये वीडियो है आज सुबह मॉर्निंग का है, और सही बताऊँ आज मेरा ना वीडियो अपलोड करने का मन ही नहीं कर रहा था, ना एडिट करने का मन कर रहा था, क्योंकि पता है कभी कभी आप इतना थक जाते हो, इतना मतलब परेशान होते हो, बहुत बार इतना चीज़ें जो होती हैं हमारे हाथ से बिल्कुल बाहर होती हैं। तो आज ना मेरा भी मन कुछ ऐसे ही हो रहा था, क्योंकि पूरा दिन ना काम करते करते मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। एक तो 4:30 बजे उठना पड़ता है, फिर वही था कि पूजा पाठ, घर में पंडित जी रह रहे हैं उनका भी पूरा देखो देखना पड़ता है, कोई एक भी इंसान अगर बढ़ता है, घर में मेंबर बढ़ता है, तो पूरी एक तरह से उनकी सेवा भाव कैसे करनी है, हर चीज़ आपको देखनी पड़ती है। तो पंडित जी रह रहे हैं, वो पूजा करते हैं ना, जैसे माला का जाप वगैरह करते हैं, तो वही है कि वो उनके उठने से पहले जो है मुझे पूजा वाला रूम, जो जिस रूम में मम्मी जी सोती है ना, उसमें पूरे में जो हमने स्थापना कर रखी है कलश वगैरह की, उस रूम की सफाई करनी पड़ती है। और देखो खाना मैं बिल्कुल तैयार करके गई थी, सब्जी आटा सब कुछ, गऊ ग्रास निकाल के गई थी, गाय माता की रोटी और कौए की रोटी एक श्राद्ध में ज़रूर निकालती हूँ मैं, वो निकाल के गई थी। फिर इसके बाद क्या होता है कि आप जब मैं और कार्तिक ना, हम दोनों जिम चले गए थे, क्योंकि फिर वही था मेरे को टाइम नहीं मिलता, पूरा दिन घर के काम में मैं इतनी वही रहता है कि जब पूजा पाठ रखी हुई है इसमें भी मैं टाइम निकाल रही हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे जो है मैं जैसे जिम से ही आई थी अभी फ़िलहाल, आते ही सबसे पहले हाथ मुँह धोए या कपड़े चेंज करे, बैठने का भी एक सेकंड भी कहते हैं ना रत्ती भर भी टाइम मिला हो, तो भाई बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। आते ही बस कपड़े चेंज करते ही मुँह हाथ धोए, बच्चों के लिए जल्दी से नाश्ता बनाया, क्योंकि 7:15 पे मैं आ गई थी। हाँ, और देखो दोनों के जाने का टाइम ना एक ही हो रहा था, क्योंकि 8 बजे ही कार्तिक भी जाएगा, 8 बजे डुगू भी जाएगा, बट इतना फ़र्क है कार्तिक को थोड़ा सा दूर जाना है और डुगू का तो खैर घर के पास ही है स्कूल। तो यहाँ पे चाय में भी उबाल आ गया था, चाय अच्छा मैंने ना हम चारों के लिए बना दी थी, पंडित जी ने तो मना कर दिया था, अभी उनका मन नहीं था चाय पीने का, तो सिर्फ 4 कप ही चाय बनाई थी मैंने अपनी, कार्तिक की, डुगू की और इनकी। तो बस यहाँ पे मैं चाय ही कर रही थी कपों में, इन लोगों को चाय नाश्ता दे रही थी, और भाई चाय पीते पीते ये लोग मतलब नाश्ता करते करते इतनी लड़ाई कर रहे थे, और लड़ाई किस वजह से हो रही थी आपको अपना बचपन याद हो तो टीवी के ऊपर लड़ाई हो रही थी सुबह सुबह, दोनों को अपना अपने अपने एपिसोड देखनी है, अपनी अपनी चीज़ें देखनी है, एक को कुछ देखना है, एक को कुछ देखना है, तो वही रहता है इनकी आपस में छोटी सी बात पर लड़ाई हो रही कि मैं टीवी देखूंगा, मैं टीवी देखूंगा। फिर हार के पता है मैंने क्या करा, मैंने रिमोट ही छीन लिया और टीवी का स्विच कर दिया बंद, और वाईफाई भी बंद कर दिया। मैंने कहा ना आप कोई टीवी देखेगा, ना आप कोई फ़ोन चलाएगा, आराम से तुम लोग नाश्ता करो, सुबह सुबह जा रहे हो स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, और देखो दिन निकले ही बेकार में लड़ाई झगड़े करके घर से बच्चा निकले तो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मैं डुगू का टिफ़िन पैक कर रही हूँ, कार्तिक तो अपना नाश्ता करके जाता है तो वो नहीं करता, कहता कि मम्मी कैंटीन वैंटीन में मिल जाता है, बट वो उसको वो ना नाश्ता अपना भरपेट करके जाता है, इतना करके जाता है कि और भूख लगेगी तो फिर देखा जाएगा। और टिफ़िन इसने मंगवा लिया है, बट अभी टिफ़िन एक ही दिन लेके गया था, जब से अब तक टिफ़िन नहीं लेके गया। तो ये मैं डुगू का टिफ़िन पैक कर रही हूँ, एक मैंने एप्पल काट दिया है और जो है सब्जी और 2 पराठे रख दिए। तो बस इधर जो है ना मैंने सब्जी थोड़ी सी एक्स्ट्रा बना ली, मैंने कहा क्योंकि अब देखो पूजा पाठ भी हो रही है, काम घर का काम भी है, तो सब्जी आटा मैं ना एक बार ही कर लेती हूँ, अब ये सब्जी जो है हमारे बच्चों के मेरे दोनों के काम आ जाएगी, क्योंकि इनका तो फास्ट ही चल रहा है, जैसे इन्होंने पूजा रख रखी है ना जिस दिन से, उस दिन से इनका तो व्रत ही चल रहा है। तो यहाँ पे देखो सब्जी वगैरह करने के बाद ना मैं तो चली गई थी नीचे इनको चाय देने, और फिर आके जो है मैंने पूरा शेल्फ जो फैल रहा था वो समेटा। तो बस अभी इधर जो है मैं अपनी भी चाय ना छान लेती हूँ, क्योंकि पहले मैं पीऊँगी थोड़ी सी चाय। अब अच्छा क्या होता है ना कि जब तक अब चाय ना मिलती ना थोड़ी देर, थोड़ी सी भी नहीं मिलती, तो बस ऐसा लगता है बस पहले चाय पी लो, मगर मैं ना चाहती हूँ मेरी चाय छूट जाए, मगर चाय ही नहीं छूट पा रही मेरी लाइफ में से, ये मेरी ना एक बहुत बड़ी कमज़ोरी सी हो गई है कि थोड़ी सी चाय मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा फील करूँगी। अच्छा यहाँ ना एक पराठा एक्स्ट्रा बन गया था, तो मैंने उस पराठे का क्या करा है मैं भी बताती हूँ आपको। तो हमारी शॉप के साथ में हमारे जूस वाले की शॉप है, तो वहाँ पे ना बच्चे काम करते हैं, एक लड़का है जो हमारे यहाँ भी आता है काफ़ी, तो मैंने वो पराठा ना मैं उसके लिए नाश्ता बना देती हूँ, बहुत छोटा सा है,
तो उसको भी मैं खाना जो है ना मैं खिला देती हूँ ज़्यादातर। मेरा खाना देखो इतना बनता ही है हमारी किचन में, आप जितना मर्जी क्वांटिटी में खाना बनाते हो, ध्यान से खाना बनाते हो, बट इतना खाना एक्स्ट्रा कि एक बंदा तो खा ही सकता है आपकी रसोई में। और मेरे साथ तो कई बार ऐसा होता है मेरा खाना एक्स्ट्रा ही बनता है ज़्यादातर, बहुत रेयर ही चांसेस होते हैं कि मैं खाना कम बनाती हूँ, तो वो मैं ऐसा करती हूँ उस बच्चे को खाना खिला देती हूँ, जैसे दो बच्चे हैं वहाँ दे देती हूँ। यार किसी को खिलाने से क्या ही जा रहा है, किसी का पेट भर जाएगा। तो मैं डुगू स्कूल जा रहा था ना, तो उसी के हाथ जो है मैंने उसके लिए मैंने पराठा और सब्जी ना रोल कर दिया था। मैं डुगू को कह रही थी, मैंने कहा तू जाते टाइम ना बेटा उसको बच्चे को जो है खाना दे दियो, तो कह रहा कि हमें छोड़ के ना तुम उसे ही गोद ले लो, वही सही लगता है तुम्हारे को। तो बच्चों के मन में ऐसी बातें आ जाती है। फिर मैंने उसको समझाया, मैंने कहा बेटा देखो यहाँ पे काम करता है तो उनको कहाँ मम्मी वगैरह का खाना मिल पाता है। तो देखो किसी को खाना खिलाने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, और वैसे भी लिखा गया है दान में दान, अन्न के दान से बड़ा तो मुझे नहीं लगता कि कोई दान है। और एक चीज़ जो ये देखो कि अगर भगवान ने आपको इतना सक्षम बना रखा है कि आप किसी इंसान का पेट भर सकते हो एक दो रोटी देकर, तो वो चीज़ फिर आपको करनी चाहिए, है ना। अगर ना हो तो बात हो रहा है, अगर हाँ इतनी है कि आप किसी एक दो बंदे को रोज़ का खाना खिला सकते हो, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी बात कुछ हो सकती है। क्योंकि खाना देने वाले हम कोई नहीं होते, हमें भी वो ऊपर वाला ही दे रहा है, और उसने इतना दिया है कि हम किसी और को दे सके, तो ये बहुत बड़ी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने जब आपको सक्षम बनाया है तो शायद दे भी दो तो कोई उसमें घाटे नहीं पड़ने वाले। तो यहाँ पे मैं वही है कि अगर किसी को लगता है कि अगर खिला देने चाहिए, और लोग वक्त पता नहीं कितने कितने लोगों का खाना दान करते हैं, तो शायद धरती पे मुझे मेरे हिसाब से क्या शायद सबके हिसाब से ही कि भूख से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है इस संसार में। क्योंकि पेट की अग्नि ऐसी होती है ना, बहुत बुरी होती है, तो इसलिए खाने से बढ़कर दान कुछ नहीं है। तो अगर किसी को खिलाने हो तो खाना ज़रूर खिलाओ, चाहे एक बार को पैसे मत दो, खाना ज़रूर खिला के भरपेट खाना ज़रूर दे खिलाना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे मेरे घर के काम की ड्यूटी स्टार्ट हो गई है। मैंने चाय ले ली थी अपनी, और चाय पीने के बाद तो फिर एक एनर्जी ऑटोमेटिकली ब्रिंग हो जाती है, और लगी हुई हूँ मैं अपनी किचन वगैरह को काम कंप्लीट करने में। बर्तन सारे साफ़ हो गए थे, और शेल्फ काउंटर वगैरह बस यही क्लीन करना था, कपड़े धुल गए हैं, अब जो है मेरे को बस क्लीनिंग का काम रह रहा है। तो मैं सबसे पहले किचन से ही काम स्टार्ट करूँगी, किचन को पूरा अच्छे से एक बार साफ़ हो जाएगा ना, फिर और कहीं जो है घर की और क्लीनिंग में करती रहूँगी।
अच्छा आजकल जो है मेरा जो बिल्कुल टाइम हो रहा है ना, वो पूरा दिन काम में बीतता है। जो सुबह के 4:30 बजते हैं और रात के 11-11:30 बजे तक मेरा सोने का टाइम नहीं आता। और ये जो अब जिस टाइम मैं ये ब्लॉग एडिट कर रही थी ना, 11 बज रहे थे रात के, क्योंकि मेरे को पता है क्या था कि मैंने कहा कि आज का ब्लॉग अगर अपलोड नहीं करा, क्योंकि मेरे को कल फ़ोन जो होता है ना, दोबारा से मैं पूरा फ़ोन मैं जो होता है ना क्लीन करती हूँ। और फिर जो आज की मेरी क्लिप बनी हुई थी ना, मैं यही सोच रही थी अगर मैं आज की क्लिप डिलीट हो जाएगी कल तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है और मेरा फ़ोन फिर हैंग हो जाता है। मेन बात ये है। तो अभी यही था कि मेरे को, मैंने कहा 11 बज रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं वीडियो एडिट करके ही सोऊंगी, अदरवाइज मैं सोऊंगी नहीं। तो 11 तो वैसे ही बज चुके हैं। तो यहाँ मेरे वो इधर में मतलब पूरा दिन ऐसे ही फुल बिजी, एक सेकेंड का भी टाइम नहीं मिलता मेरे को कि अभी आराम चल जाए। तो वही दिवाली तक, तो ऐसे त्यौहार तक जो है मेरी रेल बनी हुई रहनी है। घर के काम ही इतने सारे हैं, और उस बीच अगर आप कुछ एक्स्ट्रा अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको और ज़्यादा टाइम चाहिए। चाहे आप उसमें अपने आप को फिट रखना चाह रहे हैं, या घर का कोई वैसा काम है, घर में कोई फंक्शन है तो उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, और आपकी डेली रूटीन की जो दिनचर्या चल रही है उसमें कुछ अगर आपको अलग से कुछ पाना है तो और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इधर देखो मैंने सारा एंट्रेंस एरिया साफ़ करा है, क्योंकि कल ना इधर डस्टिंग वगैरह कुछ भी नहीं हुई थी, तो आज मैंने सोचा चलो आज पूरी डस्टिंग करते हैं, क्योंकि एक आधा दिन भी नहीं जाना चाहिए। और जब तक घर की डस्टिंग सही से नहीं होती ना, घर में देखो साफ़ सफाई ये नहीं है कि आप ज़मीन का झाड़ू पोछा कर रहे हो और जो घर की डस्टिंग है वो रह जाए, तो वो बहुत बुरी लगती है। इसीलिए मेरे को लगता है कि भाई डस्टिंग बहुत ज़रूरी है, आपकी झाड़ू पोछा एक तरफ और डस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसीलिए आज सोचा, कल नहीं हुई थी ना डस्टिंग, मैंने कहा आज चाहे 5 मिनट मुझे एक्स्ट्रा लग जाए, पहले मैं यहाँ की सारी डस्टिंग करूँगी, तभी जाके जो है मैं अंदर का झाड़ू पोछा कर पाऊँगी। तो बाहर के, और अभी मुझे तो शू रैक भी साफ़ करनी थी, बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। तो पैसे सोच रही दिवाली पे करूँगी, बट अभी दिवाली को तो पूरा मावस से मावस 1 महीना रह जाएगा। अच्छा कल से मावस हो जाएगी, तो पूरा 1 मंथ, पूरे 1 महीने बाद जो है हमारी दिवाली पड़ जाएगी। तो अब 1 महीना रह गया दिवाली को। अब आप लोग चाहें तो अपने घर की क्लीनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, बट मेरे को तो अभी टाइम नहीं है, मैं नवरात्रे के बाद ही जो है अपने घर की दिवाली की डीप क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अभी देखो त्यौहार है। फिर व्रत में वैसे भी कहते हैं कि ज़्यादा कीड़े मकोड़े वगैरह हम नहीं मारने चाहिए, एक तो आपका पूरा दिन फास्ट है, और फिर डस्ट मुँह में जाए, कोई भी कीड़ा आपका मरता है तो वो गलत है। तो इसीलिए अभी नवरात्रे और ऐसे ही निकलेंगे, तो नवरात्रों में करेंगे त्योहारों की तैयारी, शॉपिंग, जो भी कुछ आपको करवा चौथ की करनी है या दिवाली के लिए करना है, कुछ भी करना है। शॉपिंग तो बहुत होती है, कम से कम मेरी 10-15 हज़ार रुपये की शॉपिंग हो जाती है, सही बता रही हूँ, इतना नोट खर्च हो जाता है दिवाली की शॉपिंग में। और उसके बाद भी ऐसा लगता है क्या ही ख़रीदा, करवा चौथ पे ही हो जाता है आधे से ज़्यादा पैसा तो खर्च। तो यही होता है, हम औरतों का काम ही क्या होता है कि भाई जितना मर्जी आप जोड़ के रखो, बट एक दिवाली ऐसी आती है ना, दिवाली पे मैं अपना एक बार कोई ऐसा त्यौहार आता है जिसमें आपका मन करता है कि अच्छी अच्छी चीज़ें लाओ, चाहे कुछ कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगता हो, डेकोरेशन की है या कोई भी चीज़ है, तो उसमें खर्चा करना बनता भी है, मुझे तो ऐसा लगता है। तो बस फिलहाल करती हूँ मैं आज के इस वीडियो का एंड, और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके चले जाना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा।